नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अगर राजस्थान में अभी कुछ चर्चा में है तो वो सिर्फ राजस्थान विधानसभा चुनावों की है और चुनावों को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा में घमासान छिड़ गया है। भाजपा सिर्फ कमल के चेहरे पर आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस में गहलोत ने अपना चेहरा सबसे आगे रखा है। जनता के लिए हर बार ऐलान गहलोत खुद कर रहे हैं और इसको साधने की कोशिश में जनता है। प्रियंका गांधी की सभा में भी गहलोत ने ही दो बड़ी गारंटी लॉन्च की और उसके बाद वॉर रूम से 5 गारंटियों की घोषणा और कर दी। हालांकि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रियंका गांधी दो बड़े दौरे यहां पर कर चुकी है, लेकिन इससे उलट राहुल गांधी ने अब तक राजस्थान का रुख तक नहीं किया। हालांकि वे मध्य प्रदेश भी नहीं गए। मौजूदा सियासी माहौल देखा जाए तो लगता है कि आलाकमान ने राजस्थान का चुनाव गहलोत के भरोसे ही पूरी तरह छोड़ दिया है। टिकट बंटवारे में भी गहलोत की ही चली। उन्होंने न सिर्फ पार्टी में अपने समर्थकों को टिकट दिलवाए बल्कि निर्दलीय विधायकों और बीजेपी के बागियों को भी पार्टी में लाकर टिकट दिलवाए। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि गहलोत फिलहाल राजस्थान में जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल के टिकट में देरी हो रही है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसे देखकर भी ऐसा कहा जा सकता है कि इनको जल्दी टिकट मिलने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।